Hello everybody, welcome back to civil services study. Here I have test number 19 for UPSC 2021 prelims and this is for economy. Okay, let's start with the question number one. See what the term dirty floating refers to dirty floating. Option one buying and selling of foreign currencies by the central bank from the country's exchange reserve to stabilize the domestic currency. Second, supplying fake currency notes in an exchange rate of a country. तो करेक्ट कोड चूज कीजिए डर्टी फ्लोटिंग के रिगार्ड में तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ होगा ए ओनली वन तो डर्टी फ्लोटिंग क्या है इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरिन करेंसीज बाई सेंट्रल बैंक फ्रॉम दी कंट्रीज एक्सचेंज रिजर्व टू स्टेबलाइज द डोमेस्टिक करेंसी ठीक है जब सेंट्रल बैंक फॉरन करेंसीज का बाइंग एंड सेलिंग करती है टू स्टेबलाइज द डोमेस्टिक करेंसी इसे डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं ठीक है एक्सचेंज रेट सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेकेंड इज Okay. Now question number second. Consider the correct statements about infrastructure investments trust. In which infrastructure investment trust? Option one, it must be listed on any of the share market. Second, money money collected under it be channelled to those infrastructure projects which have been completed 80 to 90 percentage, and the value of one unit is rupees five lakh. सोचिए इनविट्स के रिगार्ड में करेक्ट कोड तो यहां करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट जिसमें है इट मस्ट बी लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द शेयर मार्केट ये किसी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड होना इसका मैंडेटरी है इनविट्स का ठीक है और मनी कलेक्टेड अंडर इट टू बी चैनल टू दोज इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच हैव बीन कंप्लीटेड एट्टी टू नाइनटी परसेंटेज इनविट्स में जो भी मनी कलेक्ट किया जाता है उसे उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो 80 टू 90 परसेंटेज कम्प्लीट हो चुके हैं या फिर वो रेवेन्यू जनरेट करने लगे हैं तो उन्हें हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट करने के लिए जो यूनविट्स का पैसा है वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है ठीक है एंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट इज़ फाइव लेख एक यूनिट की क्या इसमें कीमत है पाँच लाख रुपया तो इन्विट्स के बारे में ये याद रखना है यूनविट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्वेश्चन थ्री कंसिडर दी करेक्ट स्टेटमेंट वन देखिए क्लोज एंड फंड्स क्लोज एंड फंड्स हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑपियड फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन एंड दीज लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज सेकेंड ओपन एंड फंड्स आर नॉट लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज तो फंड्स के रिगार्ड में देखिएगा सोचिए यहां करेक्ट ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज सी बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ये जो क्लोज एंड फंड्स है इनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं और यह फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट करते हैं एंड दे दीज फंड्स आर लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज वहीं दूसरी तरफ जो ओपन एंड फंड्स है वह स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते हैं और इनके लिए कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है और ना ही फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स है जैसे कि ये वर्ड जो ओपन है ये डिनोट करता है यहाँ क्लोज क्लोज मतलब ये फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स है एंड ऑपरेट फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ याद रखना क्वेश्चन फोर देखिए आप कॉन्सिडर दी करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉप इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सेबी इंट्रोड्यूस्ड इट एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनके सोधी कॉमिटी तो यू के रिगार्ड में अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के रिगार्ड में करेक्ट ऑप्शन सोचिए तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो ये क्यों इंट्रोड्यूस किया था किया गया था टू स्टॉप इनसाइडर ट्रेडिंग विद इन ए कॉरपोरेशन और ए कंपनी जो इनसाइडर ट्रेडिंग uh, है उसे स्टॉप करने के लिए रेगुलेट करने के लिए एंड सेबी ने इसको इंट्रोड्यूस किया एंड एनके के सोधी कमेटी ने रिकमेंड किया था ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का ठीक है तो याद रखना है तीन पॉइंट एनके सोडी कॉमिटी एंड सेबी इंट्रोड्यूस्ड इट एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉप इन साइडर ट्रेडिंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फाइव देखेंगे कॉन्सिडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स फर्स्ट देखिए बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स बोथ आर लॉन रिलेटेड टूल्स बट बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड वैल डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड सेकेंड बॉन्ड्स आर नॉन कन्वर्टेबल वाइल डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इन टू इक्विटी तो ये बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के रिगार्ड में देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां होगा सी बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इसमें ये देखेंगे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर लोन रिलेटेड टूल्स ये दोनों ही लोन रिलेटेड टूल्स है परंतु जो बॉन्ड्स है वो सिक्योर्ड है वाइल डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड सिक्योर्ड कैसे है कि बॉन्ड्स इशू करने पर जो कोलेट्रल दिया जाता है ठीक है वहीं दूसरी तरफ डिबेंचर्स में कोई कॉलेट्रल नहीं होता यह ट्रस्ट वाइजिनेस पे बाय किया जाता है ठीक है तो ये बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स बॉन्ड्स आर नॉन कन्वर्टेबल ये बॉन्ड्स को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते वाइल डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इन टू इक्विटी तो ठीक है ये बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का डिफरेंस याद रखना है क्वेश्चन सिक्स देखिए कॉन्सिडर करेक्ट स्टेटमेंट वेन फॉरिनर्स डू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया Without acquiring the ownership of Indian companies, it is known as Greenfield FDI, Foreign Direct Investment. Okay, second, when foreigners do investment by acquiring the partial or fuller ownership into Indian companies, it is known as Brownfield FDI. So, they say, so, both of the statements are correct. When foreigners do investment in India without acquiring the ownership, ठीक है जब इन्वेस्ट किया जाता है परंतु ऑनरशिप एक्वायर नहीं की जाती तो उसे ग्रीन फील्ड एफ कहते हैं ग्रीन फील्ड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वेन फॉरिनर्स डू इन्वेस्टमेंट बाई एक्वायरिंग द पार्शियल और फुलर ऑनरशिप इन टू द इंडियन कंपनीज इट इज नोन एज ब्राउनफील्ड एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कंपनीज पार्शियल और फुलर ऑनर ऑनरशिप ले लेती है इंडियन कंपनीज में तो उसे ब्राउनफील्ड एफ डी आई में कहा जाता है ठीक है तो ये ग्रीन फील्ड एफ डी आई एंड ब्राउनफील्ड एफ डी आई Question 7. Consider the correct statements and choose the correct core. When foreign foreign companies enlist themselves on Indian stock exchange with the help of financial intermediaries, it is called as Indian depository receipts. When foreign investors do investment with the help of share market and through purchasing securities like bonds, it is known as foreign portfolio investment FPI. So they de Indian depository receipt and एफ पी आई तो दो स्टेटमेंट है सोचिए कौन सा सही है तो ये बोथ ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सी ऑप्शन इसका देखिए कंपनीज एनलिस्ट ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जब कोई भी फॉरन कंपनी इंडियन एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज पे खुद को एनलिस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इट इज कॉल्ड एज इंडियन डिपोजिटरी रिसिट ठीक है इंडियन डिपोजिटरी रिसिट है एफ पी आई के बारे में फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखिए वेन फॉर इन्वेस्टर्स डू इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ शेयर मार्केट शेयर मार्केट के थ्रू लाइक थ्रू परचेसिंग सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स डिबेंचर्स एक्सेट्रा इट इज नोन एज एफ पी आई ठीक है शेयर मार्केट में ये सिक्योरिटीज परचेस करके जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और एक दूसरी तरफ क्या होता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो ग्रीन फील्ड ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड में होता है ठीक है तो क्वेश्चन एट देखेंगे अब विच अमंग एंटिटीज कैन बी डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बाय द बैंक सोचिए देखिए अ कंपनी दैट हैज डायवर्टेड फंड्स फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन फॉर विच द फंड वाज बोरोड सेकंड अ पर्सन हु हैज सोल्ड द असेट्स बॉट बाय द लैंडर्स फंड विदाउट इन्फॉर्मिंग द बैंक तो बैंक विलफुल डिफॉल्टर किसे घोषित करती है सोचिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी इसमें देखेंगे अ कंपनी दैट हैज डाइवर्टेड फंड्स फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन फॉर विच फंड वाज बोरोड किसी कंपनी ने बैंक से फंड लिया है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए परंतु वह कंपनी उस प्रोजेक्ट में पैसा ना लगा के फंड कहीं और डाइवर्ट कर देती है तो बैंक उसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर देगा सेकेंड में जैसे कि अ पर्सन हु हैज सोल्ड द असट बॉट बाय द लैंडर्स फंड विदाउट इन्फॉर्मिंग द बैंक अगर कोई पर्सन है वो असेट सोल्व कर देता है बैंक को विदाउट इन्फॉर्म किए तो उसे क्या करेगी बैंक है जो विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर देगी तो ये दो स्टेटमेंट्स विलफुल डिफॉल्टर के बनने के लिए है ठीक है तो ये याद रखना है अब क्वेश्चन नाइन देखेंगे विच अमंग फॉलोइंग प्रीपेज दजट एनुअल बजट कौन प्रिपेयर करता है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो बजट कौन एनुअल बजट कौन प्रिपेयर करता है यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा वन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वह एनुअल बजट प्रिपेयर करता है एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस तो एनुअल बजट के रिगार्ड में याद रखना इम्पोर्टेंट है ये एनुअल बजट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर प्रिपेयर करता है क्वेश्चन टेन देखेंगे लास्ट क्वेश्चन करंट वीकली स्टेटस अप्रोच एंड यूसुअल स्टेटस अप्रोच आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ तो करंट वीकली स्टेटस अप्रोच एंड यूसअल स्टेटस अप्रोच ये किसके मेजरमेंट टूल्स है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेंड सोचिए तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए यह टूल्स है करंट करंट वीकली स्टेटस अप्रोच एंड दूसअल स्टेटस अप्रोच सो दैट्स ऑल थैंक यू